राजा मेले में चल कर आप पहुँचे हुए हैं, शिरकत कर रहे हैं, उस मेले का क्या महत्व है और आम जनमानस के लिए क्या मैसेज इतना है? इसका राजा में जो दशहरा परंपरागत वर्षों से मनाया जाता है, ये मेरा सौभाग्य है कि जब मैं सांसद नहीं था तब भी मैं आता था, तो इस परंपरा का निर्वहन आज भी मैं कर रहा हूँ। लगातार जब से सांसद हूँ प्रतिवर्ष आया हूँ इस मेले में। मुझे लगता है कि आज जहाँ धीरे धीरे रावण दहन या इस तरह के दशहरे के मेले कहीं विलुप्त से होते जा रहे हैं, वही उसका के राजा के इस रावण दहन और दशहरा मेला का दिन ब दिन विस्तार हुआ। अगर पिछली बार जिस तरह की भीड़, जिस तरह का ऊर्जा उत्साह था, इस बार उससे कई गुना ज्यादा उत्साह है। ये कहीं न कहीं इस बात का प्रतीक है कि आज सिद्धार्थनगर की धरती पे जो एक असत्य पे सत्य की जीत की रीति इस लंका दहन में या रावण दहन में है, या बुराई पे अच्छाई की जीत है, अन्याय पे न्याय की जीत है, उसके प्रति ये गौतम बुद्ध की धरती जो करुणा ममता शांति अहिंसा की धरती है, उस धरती पे इस उसका राजा के मेले की प्रासंगिकता है। और मैं तो ये कहूँगा कि इस बार मैं प्रशासन से बात करके इसको प्रदेश के जो मेले, जिसको उत्तर प्रदेश सरकार जिन मेलों को रिकग्नाइज करती, जैसे नौचंदी मेला हो, जैसे अयोध्या का मेला हो, वैसे अब मेरा प्रयास होगा कि ये राज्य सरकार के पर्यटन विभाग के इस मेले को मान्यता मिले, रिकग्निशन मिले और इस मेला क्षेत्र के विकास के लिए काम करें। क्या कहना चाहेंगे? ये उसका बाजार का दशहरा मेला जो राम जी तुम्हारे हमारा लड़की है, राम पुराई की है, आपने कहा था कि मेला ऐसे पसंद आ गए, तुम्हारा नाम लड़की है, सारे बात आई हुई है, आपने भी भगवान के वास्ते पहुंचा है, जो भी फसल कर रही है वो तो एक जगह यहाँ पे पहुंचा है। धन्यवाद। ये मेला हमेशा सर्वोत्कर्ष रहता है और एक अच्छा संदेश देता है और सभी लोगों को यह रस्ते ढेर सारा हासिल करता हूँ। मंडल के महामंत्री हैं, यहाँ आज मेले के अवसर पर जो लोग आम जनमानस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये बहुत पुराना ऐतिहासिक मेला है हमारे बक्सा बाजार का और यहाँ के जो दुकानदार भाई हैं इनको जो है टैक्स फ्री कर दिया गया, कोई अधूरी नहीं हुई बुहारी आसन तुम्हारा जी द्वारा, और यहाँ आए हुए सभी लोगों को मैं दशहरे के पर्व के हार्दिक शुभकामना बधाई देता हूँ। हर साल के पर्व के जो हम लोग पर्व मनाते हैं दशहरे का, इस बार जो है चढ़बढ़ के लोगों ने इज्जतदारी किया और अपार, आप खुद देख रहे होंगे कि अपार जन समूह यहाँ जो है उमड़ा हुआ है। इसी के साथ मैं पुनः आए हुए सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। बाजार के बड़ी समाज सेवी हैं, आज मेले के अवसर पर आम जनमानस को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश देना चाहेंगे जो समाज की कुरीतियाँ हैं, जो समाज में तमाम अनीति चल रहा है, लोगों में एक दूसरे को देखकर अंदर उस व्यक्ति के अंदर जो रावण पैदा हो रहा है, आज हम संदेश देना चाहेंगे कि हर व्यक्ति को आज रावण के मरने का दिन नहीं है, स्वयं के अंदर के रावण को बाहर निकालना चाहिए और समाज में शोषित वंचित हर अंतिम व्यक्ति के लिए मदद के लिए आगे आना चाहिए। भगवान राम से मुझे सीख लेना चाहिए। भारी संख्या में दूर दराज के लोग आए हुए हैं, इस मेले को लेकर आप क्या कहेंगे? कितने दिनों का मेला लगता है? मेला तो मेरे पूर्व जन्म से, मैं पैदा हूँ उससे लगा है मेला, और मेला थोड़ा संकुचित हो गया है दुर्गा पूजा की वजह से, नहीं तो पहले यहाँ धर्म सीमा से लेकर के और पूरे रिश्तेदारी में बड़े बड़े दूर से लोग आते हैं मेला की तैयारी के लिए। यह मेला बहुत प्राचीन है, बहुत ऐतिहासिक है और रामलीला होता है, इसका मंचन सबसे अच्छा होता है। इसलिए कितनी भीड़ होगी आज यहाँ? कम से कम 5,000-7,000 भीड़ होगी, और बढ़ भी सकता है, आगे होगा आगे। बृहद मेले का आयोजन किया गया है, मेले में आम जनमानस को आप क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम लोग पैदा होने के पहले से ही काफी कई सालों से और एक पारंपरिक मेला मनाया जाता है और आज धर्म की जीत होती है। आज एक ही दिन रावण का वर्ष था, इसीलिए हर आदमी को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम रामचित नहीं कर सकते।